मनाया जाता है। 1999 में उन ऊंचाई पे पहाड़ियों पे जो पाकिस्तानी छुपे थे, जो पाकिस्तानियों ने हिंदुस्तान के साथ एक युद्ध छेड़ा था, उस युद्ध को विराम देने का आज का दिन है। जो युद्ध भारतीय सेना ने जीता था वो दिन आज कारगिल विजय दिवस करके मनाया जाता है। पूरे देश में ये बात मान ली गई है कि 1999 में अगर भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अगर निर्णय नहीं लिया होता तो आज कारगिल के माध्यम से पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण कर सकता था। और ये आक्रमण रोकने के लिए हिंदुस्तानी सेना ने, भारतीय सेना ने जो आक्रमण को रोकने का काम किया, आक्रमण के बदले में पाकिस्तान की जितनी फौजें अंदर आई थी उस ऊंचाई का अगर विचार करो तो 4000 मीटर की ऊंचाई पर जाते हुए लड़ना और लड़ते हुए अपने जवानों के शहीद होने के पश्चात भी हिंदुस्तान को विजय दिलाना, ये कारगिल विजय दिवस का आज पूरे हिंदुस्तान में हर भारतीय ने गौरवान्वित होने जैसा ये आज का दिन है। मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान सेना के वो जाबाज सिपाही जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, उनको याद करना आज एक हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य बनता है। तो आज की देश की पीढ़ी, युवा पीढ़ी, उनको आज एक नया कारगिल विजय दिवस मनाने का मौका मिलता है जिसमें अपने सेना के जवानों की शहादत, सेना के जवानों की जाबाज कहानियाँ अगर वो सुनेंगे और पहचानेंगे कि हिंदुस्तान एक इतिहास पूर्ण रूप से बनाया गया है और इस हिंदुस्तान की जो जाबाज सेनानियों की कहानी है, उस कहानी का जो ये कारगिल विजय दिवस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आज जितने हमारे जाबाज सिपाही, हमारे जाबाज सेना के नायक इस कारगिल युद्ध में जिन्होंने शहादत पद करी, जिनकी शहादत हुई, जो शहीद हुए, उन सबको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवार के साथ आज हर हिंदुस्तानी खड़ा है और हम इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे कि ऐसा आक्रमण पुनः एक बार अगर पाकिस्तान करता है तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने के लिए हिंदुस्तान की सेना और हिंदुस्तान के नागरिक आगे आने के लिए तत्पर रहेंगे। इसे आज के दिन मैं मानता हूँ कि कारगिल विजय दिवस हर हिंदुस्तानी के हृदय में बसा है और हर हिंदुस्तानी के मन में अपने फौजियों के लिए वही भावना है जो जब कारगिल हुआ था। और कारगिल के लिए लड़ने के लिए सभी ने जो एक हौसला रखा था, उसी हौसले के साथ आज का कारगिल विजय दिवस मनाने का प्रयत्न अथर्व ने किया है।